सबसे पहले रुख करेंगे ग्वालियर की ओर। खाद की किल्लत से किसान परेशान है। भितरवार खाद वितरण केंद्र पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। खाद वितरण केंद्र पर किसानों के बीच मारपीट की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। खाद वितरण केंद्र के बाहर आपस में किसान भिड़ गए हैं। ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, खाद की किल्लत से किसान परेशान है। भितरवार खाद वितरण केंद्र पर लंबी लाइनें लगी हुई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम ग्वालियर से। भितरवार खाद वितरण केंद्र की तस्वीरें हैं। खाद की किल्लत से किसान परेशान है। खाद वितरण केंद्र पर किसानों के बीच मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बंसल न्यूज पर देखिए किस तरह से ग्वालियर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है और वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, आपस में किसान भिड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। खाद की किल्लत से किसान परेशान है। तस्वीरों से स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। भितरवार खाद वितरण केंद्र पर लंबी कतारें लगी रही, साथ ही किसानों के बीच मारपीट भी हुई है। अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी प्रहलाद, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रहलाद, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसान को, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। देखिए, ये तस्वीरें भितरवार के खाद वितरण केंद्र की है। यहाँ पर लंबी कतार, तकरीबन हजारों जो किसान है वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किल्लत बताई जा रही है, किल्लत बहुत है खाद की। किसानों को खाद की जरूरत है, क्योंकि ग्वालियर का जो मौसम है वो पाले की शिकार जो फसलें हैं वो हो रही हैं। लगातार जो कोहरा है उससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान चाहते हैं कि उन्हें समय पर खाद मिल जाए, जिससे उनकी फसलें बच सके। लेकिन आलम यह है कि लोगों को, किसानों को बड़ी मुश्किल से खाद मिल पा रहा है। नौबत यहाँ तक आ रही है कि किसान आपस में उलझ रहे हैं, और एक तस्वीर सामने आई है भितरवार की, जहाँ पर किसान आपस में लड़ गए, लात घूंसे चले। बाद में वहां मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें समझाइश दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन ये तस्वीर अकेले भितरवार की नहीं है, आसपास के और कई क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार की नौबत आ रही है। खास बात ये है कि अभी कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है, और यहाँ खाद वितरण केंद्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं है, तो ये भी एक खतरे की निशानी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया प्रहलाद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरों से हम समझ पा रहे हैं कितनी अव्यवस्थाएं हैं खाद वितरण केंद्रों पर और किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, खाद की किल्लत से किस कदर किसान परेशान है। आपसी विवाद हो गया किसानों में,